पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापिस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए, अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए मगर वो थकते नहीं, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं, जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई पाई लूट कर गए हैं वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या ना डाले? जोर से बोलो, डाले या ना डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले के न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं चिंता मत करिए, ये जितना विरोध करे, जिन्होंने करप्शन कराए है उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं बचा सकता। भाई और बहनों, बिहार में समय आ गया है एक ऐसी सरकार बनाने जो बिहार को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है पूर्ण विकसित भारत का। पूर्ण विकसित भारत होते ही पूर्ण विकसित बिहार अपने आप होता है। भाई और बहनों, हमारे गठबंधन में हम पार्टी है, कुशवाहा जी है हमारे साथ, पशुपति पारस जी है, पासवान जी है, सारे लोगों का जो जो चिन्ह है, यहां तो कड़ाई और कमल दो है, मगर जहां पर भी जो जो चिन्ह है वो सभी पर आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी को